थैंक यू सो मच. मुझे आप सबको पता है जैसे कि मुझे शादी का बहुत शौक है, सो ये मेरी थर्ड शादी है. सो मैं तीसरी बार दुल्हन बनी हूँ एंड आई थिंक विद एवरी शादी मेरी जो डिज़ाइनर है वो मुझ पर और मेहरबान हो जाती है एंड मुझे अच्छे अच्छे आउटफिट्स देती रहती है. सो अब मुझे पता नहीं जब मेरी शादी होगी तब मैं शादी से पक चुकी होंगी क्या करूँगी, आई डोंट नो, बट राइट नाउ आई एम हैविंग अ ब्लास्ट, आई एंजॉय बिकमिंग अ दुल्हन. सो यार क्या खास है आउटफिट में? आउटफिट में इट इज़ अ वेरी क्लासी आउटफिट, आई एल मस्ट से दैट. यू नो जो मिरर वर्क का पूरा उसने किया है हर जगह, इट्स वेरी क्लासी एंड आई लव द सेट पूरा मांग टीका, इट्स अ वेरी डिफरेंट मांग टीका यहाँ से पूरा आ रहा है एंड नथनी है एंड बहुत ही गॉर्जियस सेट है. सो मैं तो आउटफिट देखने के बाद ही मैं हग करने मैंने छोड़ा ही नहीं था अपनी डिज़ाइनर को कि ब्रो आई लव यू. सो या आई एम एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट राइट. सीक्वेंस में क्या हो रहा है? ट्विस्ट पैकअप हो गया ना, देखो जाने नहीं देते. हाँ तो सीक्वेंस में ये है कि शादी स्टार्ट होने से पहले कोई भी फंक्शन स्टार्ट होने से पहले ही दो अपशगुन हो जाते हैं, लाइक जो सुहाग की चुनरी होती है गढ़चोला बोलते हैं जिसे, सो कील में फंस जाता है एंड फट जाता है एंड जो सुहाग की चूड़ियाँ होती हैं पंजाबी में जैसे चूड़ा बोलते हैं सो वो भी टूट जाती हैं. सो शानी बहुत घबरा जाती है कि उन्होंने की शादी से पहले इतने अपशगुन हो गए हैं एंड हमेशा जब भी रणवीर और निशानी पास आए हैं तो कुछ ना कुछ बीच में एक बाधा आती रही है. सो उसका मन बहुत घबरा रहा होता है एंड वो यू नो रणवीर को ऐसे बता रहे होते हैं तो वो प्रॉमिस करते हैं कि उन्होंने नथिंग इज़ गोना हैपन एंड साइड बाई साइड आपको मिलन और उसके दिखते रहेंगे कट्स, जब आपको लगेगा कि निशानी की छुरी टूटी मिलन सामने तो ऐसे से आपको आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं वो सब और आप इसे पॉपकॉर्न करोगे आप कैसा ओ नो ऐसे आने वाले हैं. सो या पॉपकॉर्न मिलन ऐसे ईशानी और रणवीर का मिलन तो ऑफ कोर्स होना चाहिए होपफुली. सो लेट्स सी क्या होता है एंड या यू स्टे कनेक्टेड टू मेरी आशिक तुमसे ही. नहीं वो हमने प्रोमो शूट किया शादी के बाद का प्रोमो आप देख के आपको पता लगेगा कि क्या ट्विस्ट है, यू नो क्या चल रहा है, किससे शादी हुई है, क्या हुआ है, वो आपको देखना पड़ेगा. सो ओ माय गॉड. हाँ जी पर्सनल लाइफ में मैंने जैसे बताया मैं व्रत रखती हूँ, मैं सारे व्रत नहीं रख पाती हूँ बिकॉज यू नो शूट में आप हम होते हैं एंड बिजी होते हैं काफ़ी. सो मैं फर्स्ट एंड लास्ट व्रत रखती हूँ बचपन से, सो मैं वो रखने वाली हूँ एंड एंड लास्ट डे ऑफ कोर्स कंचक बिठाने वाली हूँ एंड या आई एम गोना एंजॉय.